अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल इरफान राजा ऑफिशियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सॉन्ग का पोस्टर का PLP फाइल, जो कि आपको चलिए हम दिखाते हैं एक एक करके कि किस तरह से आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं, अपना खुद का सॉन्ग का एल्बम का नाम रख सकते हैं, जो भी आपका जो भी कार्य किए हैं आपके सॉन्ग में या फिर जो कुछ में उसका नाम आप डाल सकते हैं। आप अपना चैनल का लोगो लगा सकते हैं, अपना चैनल का पट्टी लगा सकते हैं, फ़ोटो आप अपना लगा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज साइज पर क्लिक करना है और कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब थंबनेल देख रहे हैं इस तरह का साइज ले लेना है आपको। और कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर आप यहाँ पर यूज इमेज फॉर्म गैलरी में जाकर के कोई भी बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे PLP फाइल मैं ला चुका हूँ। तो चलिए एक एक करके दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिया है। बैकग्राउंड आप यहाँ से भी ले सकते हैं गैलरी में जा कर के और वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं बैकग्राउंड ले लिया, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर ब्रश ले लेते हैं, नीचे की तरफ से देख सकते हैं आप ग्रीन कलर का। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट को ले ले रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए आपको इस तरह से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके इस तरह से आपको जो भी होगा आप यूनिकोड पैड में या फिर आप क्रोम से जा कर के लिख सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा। इस तरह से करने के बाद आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं कि यूनिकोड पैड में किस तरह से यूज किया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पे भी ढूंढने पर मिल जाएगा। तो इस तरह से ले लेना है और उसके ऊपर में इस तरह से ले लेना है जैसे कि पता ना चले। इस तरह से दोनों में आपको सेम साइज भी ले लेना है, सेम और एडजस्ट कर लेना है। 19 है तो नीचे वाला में भी 19 इस तरह से ले लेना है, दोनों को सेम रख लेना है इस तरह से। चलिए और दूसरा यहाँ पे 3 को इस तरह से रख लेना है और ऊपर से भी इस तरह से रख लेना है। आपको इसमें एडिटिंग सिर्फ आप अपना जो कुछ भी लिखिएगा सेम हो जाएगा और साइज़ दोनों का सेम रखना है, नीचे वाले और ऊपर वाले का भी सेम साइज रखिएगा, तब जा कर के अच्छा एडजस्ट होगा। उसके बाद चलिए हम सबसे पहले ये भी ले ले रहे हैं और इसके ऊपर में जो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं हर कुछ का PLP है, देख सकते हैं यहाँ पर एडिट हो रहा है, तो हर कुछ का एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसका ऊपर वाला भी ले लेते हैं इस तरह से और यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं आप इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से नीचे ऊपर कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से एडजस्ट करने के बाद। चलिए सबसे पहले हम फ़ोटो ले ले रहे हैं, इस तरह से आपको ब्लर वाला फ़ोटो ले लेना है। ब्लर करने के लिए आप पिक्सआर्ट का भी यूज कर सकते हैं और फ़ोटो एडिटर जो कि मैं पहले बताया हूँ, तो इस तरह से नीचे से कर सकते हैं ब्लर। अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आपको फ़ोटो ले लेना है, मैंने ब्रश दे दिया है, देख सकते हैं ब्रश इस तरह से ऊपर से ब्रश रख लेना है इस तरह से, देख सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो लेने के बाद चलिए आप अपना फ़ोटो भी इस तरह से ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद चलिए आगे इस तरह से ले लेने के बाद ऊपर से भी आपको देख सकते हैं, ऊपर से भी ब्रश ले लेना है, देख सकते हैं। आप अपने फ़ोटो के ऊपर में चाहे आप ब्लर कीजिए मतलब नीचे से या नहीं कीजिए, आप ऊपर से इस तरह से ब्रश रख लेना है, हो जाएगा। और इसके बाद चलिए आगे, इसके बाद आप अपना चैनल लोगो यहाँ पे ले सकते हैं, देख सकते हैं मैंने रख लिया है इस तरह से। चैनल लोगो लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पट्टी लिया हूँ और इस पट्टी पे इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख भी लेना है यहाँ पर, देख सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं आप अपना चैनल का नाम, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए शो हो रहा है। तो चलिए बैक आ जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा पोजीशन नीचे की तरफ कर दे रहे हैं, देखिए इस तरह से आप अपना चैनल का भी नाम जो कुछ भी होगा आप अपना कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे स्वर देख सकते हैं, स्वर में तो कुछ एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्यों करना भी पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर हो रहा है एडिट, देख सकते हैं यहाँ पर एडिट हो रहा है, देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए बैक आ जा रहा है, इसके बाद आप अपना खुद का नाम लिख लेना है इस तरह से एडिटिंग कर लेना है, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ भी एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जो भी कार्य किए हैं आपके सॉन्ग में उसका एडिटिंग करने के लिए आपको
यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देना है, जो भी आप अपना यूनिकोड पैड यहाँ पे डाल देना है, अच्छे से कलर कर लेना है। इस तरह से कलर में जा कर के जहाँ भी कलर करना हो इस तरह से कलर कर लेना, देख सकते हैं हो रहा है, तो इस तरह से कर लेना है आपको। चलिए बैक आ जा रहे हैं, और नीचे भी जितना होगा आप उतना कर सकते हैं एडिट करने के लिए। यहाँ पे पेंसिल लेके आइकन पे देखिए कुछ भी एडिट हो रहा है नीचे की तरफ, देख सकते हैं। चलिए बैक आ जा रहे हैं, उसके बाद ये वेबसाइट का कुछ मैंने बनाया है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप डाल सकते हैं या तो ट्रेडिंग क्वेरी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चलिए न्यू लोकगीत का पट्टी ले लिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो सॉन्ग का पट्टी ले लिए हैं, तो इतना रेडी हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ तक बन चुका है। तो चलिए यहाँ से हम सेव कर ले रहे हैं, और सेव एज इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक कर देना है और अल्ट्रा कर लेना है, और यहाँ पे सेव टू गैलरी देख रहे हैं इस पर कर देना है। तो देखिए मेरा इमेज सेव हो रहा है, वेट कीजिए। यहाँ पे सेव करने के बाद आप जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया या फिर एडिटिंग करके आप चैनल पे डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।